करते तो दिखते नहीं, मैं गलती में चलता तो दिखता। बिग फैन सर, बिग फैन ब्रो। आप सभी के लिए स्टूडियो के अंदर दो बड़ी खास इन्फॉर्मेशन लेके आओ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली इन्फॉर्मेशन है एमसी स्टैंड के रिलेटेड जो आप सभी को मैं देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है विराट कोहली की। क्या आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा है जिसपे सबसे ज़्यादा फॉलोवर हो, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो? क्या आप सभी को पता है? तो बहुत सारे सोचेंगे कि विराट कोहली का जिसपे मिलियंस ऑफ फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। मतलब आपसे बता दूँ, पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा सोशल मीडिया है जिसपे सबसे ज़्यादा फॉलोअर है? तो ऐसे में आप बोलेंगे विराट कोहली का, लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ वो विराट कोहली का अकाउंट नहीं था, बल्कि टी सीरीज थी जिसपे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। पूरे इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया का हैंडल है वो है टी सीरीज, जिसपे सबसे ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर थे 236 मिलियन। मतलब अपने में बड़ा आंकड़ा है ये, मतलब पूरे इंडिया को प्रेजेंट करता है। और इस पर आप सबको बता रहे कि टेलर वगैरह म्यूजिक वगैरह सॉन्ग वगैरह आते रहते हैं, लेकिन ऐसे में आप सुधा दो, अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि इसका रिकॉर्ड हमारे विराट भाई ने तोड़ा। क्योंकि विराट भाई के जो इंस्टा पे फॉलोअर हो चुके हैं आप सभी को दिख ही रहेंगे 237 मिलियन। मतलब पूरे इंडिया का जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, अब वो विराट कोहली का बन चुका। मतलब पूरे इंडिया के जो सबसे ज़्यादा फॉलोवर है सोशल मीडिया हैंडल पे किसी, तो वो है विराट कोहली का। मतलब टी सीरीज़ को भी पीछे कर दे, यहाँ पर कई हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों छोटों में तो बोलो लाखों लोग काम करते हैं, उसको पीछे छोड़ दिया एक बंदे ने, इसका नाम है विराट कोहली। तो सबसे पहले मेरी तरफ से विराट कोहली को वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अपना में बड़ी बात है मतलब पूरे इंडिया को प्रेजेंट करना और पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर उस अकाउंट पर होना, वो भी अकेले बंदे के, मतलब अपना में बड़ी बात है। तो एक बार अगेंस्ट मेरी तरफ से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर जरूर दीजिए। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे में जो दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन निकल कर आई ना, वो एमसी स्टैंड की इन्फॉर्मेशन है। सुनने के बाद अगर आप उनके फैन हैं तो आपका दिल खुश होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको जानना है कि लॉकअप टू के अंदर कौन कौन रहने वाला है, किस किस का मतलब नाम सुर्खियों में चल रहा है, मतलब कौन कंफर्म होने वाला है लॉकअप टू के लिए, तो आप सभी के लिए हमने पूरी लिस्ट बना के रखी है। आपको एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हमें आके पढ़ सकते हैं पूरे नाम, मतलब किस किस का नाम आने वाला है, कौन कौन लॉकअप शो के अंदर रहने वाला है, मतलब पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं, जहाँ पर एमसी स्टैंड का भी नाम है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को दे देता हूँ एमसी स्टैंड की धमाकेदार इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप बता दूँ एमसी स्टैंड पूरे इंडिया के टेलीविजन के टॉप 20 सेलिब्रिटी के अंदर नंबर वन सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, इंडियन फोरम की रिपोर्ट है। और आप सभी को एक और चीज़ बता दूँ, आज से 10-12 दिन पहले मतलब जब एमसी स्टैंड के लिए वोटिंग की जा रही थी बिग बॉस के अंदर, तो एमसी स्टैंड को प्रियंका से भी पीछे बताया जा रहा था। मतलब एमसी स्टैंड को दूसरे तीसरे पे बताया जा रहा था, जबकि प्रियंका को पहले पे बताया जा रहा था। लेकिन ऐसे में आप ये देखिए, यहाँ पर प्रियंका दूर दूर तक के नहीं है इस लिस्ट के अंदर, मतलब बहुत दूर है। मतलब आप सबको बता दूँ टॉप 20 सेलिब्रिटी के अंदर नंबर वन बन चुके एमसी स्टैंड, जो कि अपना में बड़ी बात है। पहले पे एमसी है, दूसरे पे शिव, तीसरे पे अब्दुल, बाकी आप सभी को दिख ही रहूँगा। मतलब इतने सारे सेलिब्रिटी को पीछे करना, एक मतलब एक मिडिल क्लास से बंदा आता है और इतना मतलब नाम रोशन करता है, एक ज़मीन से आता है और एक मतलब पूरी पब्लिक में छा जाता है, मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाता है, सबसे ज़्यादा लाइव के अंदर आने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड बना लेता है और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुके, अपना बड़ी बात है। मतलब बंदे ने यार कमाल करके दिखा दिया, मतलब एक एमसी स्टैंड जो नाम है ना पूरे कानों में गूंज रहा है लोगों के, और फिर एक बार टॉप 20 सेलिब्रिटी के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अपना में बड़ी बात है। तो एमसी स्टैंड के लिए मेरी तरफ से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, अगर आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर जरूर बोल दीजिए। और उसी के साथ अगर आप एमसी स्टैंड के फैन हैं, जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना फैलाइए, बताइए सोना सोना ही रहता है, जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।